हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, रात को जो टेम्परेचर गया है ना, -7 गया है। तो यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुई है अभी, आज कोई स्नोफॉल नहीं है आप देखो, लेकिन बर्फ जमी हुई है सब जगह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जितना भी जहाँ जहाँ भी पानी पड़ा था ना, वो सब जम गया है। अब हम सबकी तबीयत ख़राब है, मम्मी मेरी, शिवांश, कोमल, सबको कोल्ड हो रहा है और मैं तो फीवरिश फील कर रहा हूँ। अब आप ये देखो, जितने भी आप फूल पत्ती देख रहे हो, सब पे बर्फ जमी हुई है। कल रात जमी है, उससे पहले नहीं। चलो प्रूफ के लिए, अब आप बोलोगे यार पहले की दिखा रहा होगा शायद, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो कार पे तो पहले से नहीं होगी, अब जैसे जैसे धूप निकलने लग रही है ना, तो ये बर्फ़ पिघल रही है, बट अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो देखो आप, नाउ यू कैन सी क्या हाल हुआ है। रात में पूरी बर्फ जमी हुई है, कार पे आगे भी बर्फ जमी हुई है। यार मुझे लग रहा है ना, अंदर वाला पानी भी जम गया होगा आज। सी पूरी कार पे बर्फ जमी हुई है। आप बोलोगे बर्फ नहीं है, देखो मैं हाथ से दिखाता हूँ, ये देखो ये बर्फ है। तो भाई अच्छा खासा टेम्परेचर था रात में, माइनस में गया था। ये आप देखो पीछे भी शीशे पे। और यार ये अलग से स्टार्स से बने हैं, आई डोंट नो, बर्फ के। आप देखोगे ना, ये बर्फ है। तो यार ये लास्ट डे है आज हमारा ट्रिप का, और आज इसमें हमारी रिटर्न जर्नी भी रहेगी और भी जगह रहेंगी। ये देखो आप देख रहे हो भाई, भयंकर ठंड है इस टाइम मनाली में। अगर किसी को उस बर्फ में बहुत ही मजा आता है ना, तो आओ और देखो भाई, मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। चलो यार अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं होटल से, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे लेट। तो हमें अभी मेरठ जाना है, क्योंकि मम्मी मेरठ है, तो उन्हें ड्रॉप करके फिर मैं गाजियाबाद निकलूंगा। तो पहले मम्मी को ड्रॉप करेंगे, देन फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने घर के लिए निकलेंगे। सो आप देखो सामने पूरे पहाड़ों पे बर्फ है, और आप देख रहे हो बादल आ गए हैं आज। तो भाई आज आपको स्नोफॉल मिलने वाली है, वैसे भी जो प्रेडिक्शन है वो है आज स्नोफॉल का। तो आ जाओ भाई, देख लो, मजे करो। शायद ये व्लॉग्स आपको थोड़े लेट मिलेंगे, बट आज जो डेट है वो है 1 जनवरी 2023। तो आज पहला दिन है साल का और मनाली में ये मजे आ रहे हैं। अब भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, ये चीज़ें आपको वहाँ पे इंस्टेंट मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो यार इतनी देर से ये चला रखा है मैंने आगे डिफ्रॉस्ट का, लेकिन 10 मिनट हमें हो गई है ऑलरेडी, ये अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल हाईएस्ट टेम्परेचर पे चल रहा है। सो मैं वेट कर रहा हूँ एक बार क्लियर हो जाए, तभी जर्नी स्टार्ट करें, ऐसे सेफ नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी चलाना। यार हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो गूगल मैप्स जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 12 घंटे 3 मिनट 522 किलोमीटर्स, और रात को 9:30 बजे दिखा रहा है कि वी विल रीच आर लोकेशन एट 9:30। देखते हैं यार किस टाइम तक पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ रुकना पड़ता है 10 जगह रास्ते में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो बोलो श्री आदिशक्ति माता जी शर्मला देवी की जय। जस्ट चेक आउट द व्यूज यार, देखो आप, मतलब ये सामने पूरी घाटी है, बट आई थिंक आपको दिख नहीं पा रही होगी, पूरी बादलों में। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। अभी हम चंडीगढ़ वाली रोड पे हैं, टुवर्ड्स चंडीगढ़ हम हैं। अभी हम उतरे ही नहीं है पूरा, और कोमल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, सो ये रही कोमल, 2 बार वॉमिट कर चुकी है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो चलो यार मेडिसिन देते हैं इसे, फिर मिलते हैं आपसे। यार अभी भी हमारा जो रास्ता बचा है वो 202 किलोमीटर्स बचा है, 3.5 घंटे दिखा रहा है अभी। अब यार ऑलरेडी रात के 8:30 बजने वाले हैं, 8:20 हो रहे हैं,
हम इसलिए इतना लेट हो गए क्योंकि कोमल की तबीयत खराब हुई थी बीच में, तो दो तीन बार तब रुकना पड़ा, एंड अभी बस एक हमने चाय का ब्रेक लिया है, सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और गाड़ी भी थोड़ा संभाल के चलानी पड़ रही थी क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो ये है बात। बाकी यार फॉग बहुत ज़्यादा हो गया बाहर, आप देखो हजार्ड लाइट मेरी भी जली हुई है और सामने जो गाड़ी जा रही है उसकी भी जली हुई है, अभी आपको दिख नहीं रहा है फॉग इतना, बीच बीच में एकदम बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा आता है। देखो मैं थोड़ा ऊपर करूँगा, अभी क्लियर है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो फिर से आ जाएगा। तो यार कैसी मम्मी हालत कैसी है आपकी अभी? मेरी ठीक है। कोमल आप कैसी है तबीयत? शिवांश आप ठीक हो बेटा? शिवी ठीक है। शिवी बेटा आप ठीक हो? आप देखो अभी यार फॉग देखो, सो आप फॉग देखो, अब गाड़ियों ने बिल्कुल ब्रेक ही ले लिया भाई। अभी मैं अच्छा खासा 70-80 चल रहा था, 40 की स्पीड पे आ गया हूँ, वो भी बड़ा मुश्किल से 40 भी मेंटेन में इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वाली गाड़ी मुझे दिख रही है, अगर मैं सिर्फ अकेला होता इस रोड पे तो शायद 40 भी मेंटेन नहीं हो पाती। तो ये हाल है यार, और बाकी चलो मिलते हैं आपसे, अब डेस्टिनेशन पे पहुंच के मिलते हैं आपसे, टिल देन स्टे ट्यून्ड। यार हम अभी देवराना पे रुके थे, चाय वाय पिए हमने और फ्रेश हुए, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये इतना फॉग है, देखो बहुत बुरा हाल है यार, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। ऐसे में कार ड्राइव करना अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क है, और वो भी जब आप नॉन स्टॉप मनाली से ड्राइव कर रहे हो तो और भी बड़ा टास्क है यार। आप देखो विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। से अपनी कार खड़ी है तो बैठते हैं कार में यार, मम्मी भी आ रही है फ्रेश होके, फिर चलते हैं। सो यार वी हैव फाइनली रीच्ड होम, ऑलमोस्ट 2 मिनट में बस पहुंचने वाले हैं, और आप देखो सामने की हालत सी भाई, इतना फॉग था, हम 2 घंटे पहले पहुंच जाते अगर फॉग ना होता तो, बट फॉग की वजह से क्या करें, बहुत धीरे धीरे चलना पड़ा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, और इंस्टा पे भी आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टा पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली है मेरी। ओके यार थैंक यू सो मच, स्टे सेफ़।